ज मैरिज बाय मस्ती वेंटेश आयर रंगाज मैरिज लेसन को मस्ती वेंटेशर ने लिखा है नाउ वी आर गोइंग टू डू इट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज वट काइंडसन डू यू थिंक द नरेटर इज कथावाचक आपको किस तरह का व्यक्ति लगता है और या वट पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज डू यू थिंक आर डी टू द नरेटर ऑफ द स्टोरी रंगाज मैरिज आपको क्या लगता है कि रंगा की शादी कहानी के कथाकार के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य क्या है डू यू थिंक दे आर वर्थ लिविंग इन द कंटेम्परे वर्ल्ड वाई और वाई नोट क्या आपको लगता है कि वे समकालीन दुनिया में रहने लायक हैं? क्यों या क्यों नहीं नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हार्मलेसली चैटी मैन प्राइड इन ही its its कहानी का कथावाचक एक हानिकारक व्यक्ति है जो अपने गांव, अपने लोगों अपनी संस्कृति फलों और फूलों पर बहुत गर्व करता है ही गिव्स नो इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश एंड इंग्लिश कल्चर वह अंग्रेजी और अंग्रेजी संस्कृति को, को कोई महत्व तो नहीं देता है फॉर हिम एजुकेशन इन सिटी इज गुड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वं रिलीजन एंड कास्ट उसके लिए शहर में शिक्षा अच्छी है परंतु किसी के धर्म और जाति की कीमत पर नहीं ही वैल्यूज गुड पीपल लाइक रंगा वह रंगा जैसे अच्छे लोगों को महत्व तो देता है दैट इज वाई ही हिमसेल्फ टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ गुड मैच फॉर हिम एंड ही डज फाइंड वन यही कारण है कि वह खुद उसके लिए एक अच्छा मैच यानी रिश्ता खोजने की जिम्मेदारी लेता है और वह एक रिश्ता खोज लेता है इन ऑर्डर टू मेक द ही इवन टेक्स हेल्प ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर वैवाहिक गठबंधन बनाने के लिए वह एक ज्योतिषी की मदद भी लेता है दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर वन कैन नॉट एडमायर हिम यह एकमात्र बिंदु है जहा कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता इन द एंड वी कैन से दैट द वर्च्यूज एंड वैल्यूज ही डिस्प्लेज इन द स्टोरी इज रेलिवेंट इवन टूडे अंत में हम कह सकते हैं कि कहानी में उसके द्वारा दिखाए गए गुण और मूल्य आज भी प्रासंगिक है ही इज ऑनेस्ट प्योर एंड सिंपल एंड ब्रिंग्स आउट ट्रस्ट यूनिटी एंड हारमोनी इन द सोसाइटी वह ईमानदार निष्कलंक और सरल है और समाज में विश्वास एकता और सद्भाव लाता है रंगाज व्यूज ऑन मैरिज आर क्वाइट डिफरेंट येट ही फॉलोज द कन्वेंशनल वे ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर हिमसेल्फ वाई ही डू सो इन योर ओपिनियन शादी के बारे में रंगा के विचार काफी अलग हैं, फिर भी वह अपने लिए एक लड़की चुनने के पारंपरिक तरीके का पालन करता है अनुसरण करता है वह आपकी राय में ऐसा क्यों करता है रंगा वो इज द फर्स्ट वन हुट टू बैंगलोर फॉर स्टडी एट हिज फादर कंसेंट रंगा पहला व्यक्ति था जो अपने पिता की सहमति पर अध्ययन करने के लिए बेंगलोर गया नो वन वॉज अवेलेबल इन होस हल्ली एट दैट टाइम होस हल्ली में कोई भी उपलब्ध नहीं था जो उस समय अंग्रेजी बोल सके इट वॉज रंगा हुआ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश बट दिस नॉलेज डिडंट टर्न हिज हैड एंड ही रिमेन्ड एज मॉडेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल एज ही वॉज बिफोर गोइंग टू द सिटी यह रंगा था जिसे अंग्रेजी का ज्ञान था लेकिन इस ज्ञान ने उसकी सोच को नहीं बदला और शहर जाने से पहले जितना विनम्र और सम्मानित था उतना ही बाद में भी रहा एज ए प्रोग्रेसिव थिंकिंग पर्सन ही शेयर ऑन मैरिज विद द नरेटर एक प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति के रूप में उसने कथावाचक के साथ शादी पर अपने विचार साझा किए ही टोल्ड हिम दैट ही फाउंड अब गर्ल फॉर हिमसेल्फ उसने उससे कहा कि वह किसी तरह की जल्दी में नहीं है और तब तक इंतजार करेगा जब तक वह अपने लिए उपयुक्त लड़की नहीं ढूंढ लेगा ही विश्ड टू फाइंड सम वन इनफ टू अंडरस्टैंड हिज वह किसी को अपनी भावनाओं को समझने के लिए परिपक्व होने की कामना करता है मैच्योर होने की कामना करता है ही बिलीव शुड मैरी अ गर्ल वन एडमायर्स एंड नॉट गिव इन टू दी ओल्ड कस्टम ऑफ अरेन्ज मैरिज उसका मानना था किसी को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो उसे पसंद हो और अरेज मैरिज के पुराने रिवाज को स्वीकार ना करे बट ही फेल इन लव विद अ वेरी यंग गर्ल चूजन बाय द नरेटर लेकिन उसे नरेटर द्वारा चुनी गई एक बहुत छोटी लड़की से प्यार हो गया नो वन कंपेल्ड हिम टू चूज हर बट ही फेल फॉर हर ऑन सी हर सिंगिंग एट द नरेटर्स हाउस किसी ने उसे चुनने के लिए मजबूर नहीं किया लेकिन वह कथाकार के घर पर उसे गाते हुए देख उसके प्यार में पड़ गया जोकिंगली टोल्ड हिम दैट रत्ना मजाक में बताया की रत्ना एक विवाहित लड़की थी तो रंगा परेशान हो गया ऑल दिस रिवील्ड दैट ही वॉज क्रेविंग फॉर हर इस सबसे पता चला की वह उसके लिए तरफ रहा था इट वॉज द नरेटर्स डिटर्मिनेशन एंड मैनिपुलेशन दैट टाइड दू इ यह कथाकार का दृढ़ संकल्प और हेर फेर था जिसने दोनों को विवाह में बांध दिया नो डाउट मैरिड द गर्ल ही एडमायर्ड इन हार्ट बट हीटर्स हैंड इन मेकिंग हिम चूज रत्ना एज हिज ब्राइड इसमें कोई शक नहीं कि रंगा ने उस लड़की से शादी की जिसे वह अपने दिल से पसंद करता था लेकिन उसे कथावाचक के बारे में पता नहीं था की रत्ना को अपने दुल्हन के रूप में चुनने में उसका हाथ है राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ रंगप्पा। रंगप्पा का संक्षिप्त चरित्र चित्रण लिखें और व्हाट एस्टिमेट डू यू फॉर्म ऑन रंगा या रंगा के बारे में आपका क्या अनुमान है रंगा वॉज द फर्स्ट यंग मैन ऑफ होसहली हु वॉज सेंट टू स्टडी इन बेंगलोर रंगा होसहली का पहला युवक था जिसे बेंगलोर में पढ़ने के लिए भेजा गया था ऑल्दो ही एक्सप्रेस्ड ही ट्रेडिशनल उसने शादी पर अपने बदले हुए विचार व्यक्त किए लेकिन उसने पारंपरिक तरीके का पालन किया और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया डिस्पाइट in एजुकेशन he फोज रिस्पेक्ट फॉर elders. अपनी शहरी शिक्षा के बावजूद वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ही वॉज एन एजुकेटेड मैन स्टिल ही एग्रीड टू अ कंपनी द नरेटर टू द एस्ट्रोलॉजर एंड फेल्ड टू सी थ्रू द गेम प्लान ऑफ द नरेटर वह एक शिक्षित व्यक्ति था फिर भी वह ज्योतिषी के पास कथाकार के साथ जाने के लिए सहमत हो गया और कथाकार की चाल को देखने यानी समझने में विफल रहा ही डिड नॉट हाइड हिज व्यूज फ्रॉम द नरेटर ऑन मैरिज उसने विवाह पर कथावाचक से अपने विचार नहीं छिपाए आफ्टर मैरिज ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द नरेटर एंड इवन हिम शादी के बाद वह कथावाचक का बहुत आभारी था और यहाँ तक कि उसने अपने बेटे का नाम भी श्यामा रखा यानी कि कथावाचक के नाम पर ही अपने बेटे का नाम भी रखा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द नरेटर से अबाउट होसाली होसली के बारे में कथाकार क्या कहता है होसली इज द प्लेस विच इज नॉट मैं बाई द राइटर्स ऑफ जियोग्राफी होसली वह स्थान है जिसका उल्लेख भूगोल के लेखकों द्वारा नहीं किया गया है इवन कार्टोग्राफर्स हैव नॉट पुट इट ऑन द मैप यहाँ तक कि मानचित्रकारों ने भी इसे मानचित्र पर नहीं रखा है बट टू द नरेटर इट इज अ ग्रेट प्लेस टू लिव इन लेकिन कथावाचक के लिए यह रहने के लिए एक शानदार जगह है वट रंगा रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर क्या हुआ जब रंगा बेंगलुरु शहर से अपने गांव लौटा हिज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट उसकी घर वापसी एक बड़ी घटना थी द विलेजर्स केप्ड कमिंग टू हिज हाउस टू फाइंड आउट हाउ ही लुक्ड एंड वट चेंज हैड कम टू हिम ग्रामीण यह जानने के लिए उसके घर आते रहे कि वह कैसा दिखता है और उसमें क्या बदलाव आया है बट दे वर सरप्राइज टू फाइंड आउट द सेम रंगा एज ही हैड बीन मंथ एज बिफोर लिविंग द विलेज लेकिन वे उसी सेम रंगा को पाकर हैरान रह गए जैसा वह छह महीने पहले गांव छोड़ने पर था नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड रंगा ग्रीट द नरेटर कथावाचक को रंगा ने कैसे अभिवादन किया इन वट रिस्पेक्ट डिड ही डिफर फ्रॉम द प्रेजेंट डे बॉयज वर्तमान के लड़कों से वह किस मायने में अलग था ही ग्रीटेड द नरेटर फोल्डिंग हिज and touching हिज फीट उसने कथावाचक का पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर और चरण स्पर्श कर अभिवादन किया ए प्रेजेंट डे वुड स्टैंड स्टिप डूइंग फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग ग्रीटिंग एक वर्तमान समय का लड़का अभिवादन के संबंध में सीधा खड़ा रहकर केवल औपचारिकता निभाएगा वाई डिड द नरेटर डिसाइड टू मैरी रंगा कथावाचक ने रंगा की शादी कराने का फैसला क्यों किया गर्ल लड़की कौन थी फाइंडिंग गुड वैल्यूज इन रंगा द टूकिटी ऑफ फाइंडिंग वॉज अ ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड गर्ल रंगा में अच्छे मूल्यों को पाकर कथाकार ने उसके लिए एक अच्छा मैच रिश्ता खोजने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने राम राव की भतीजी रत्ना को ढूंढा जो एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की थी कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी रंगाज मैरिज रंगा की शादी कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी करें द होल स्टोरी रिवॉल्व राउंड द रंगा एंड हिज मैरिज पूरी कहानी रंगा और उसकी शादी के इर्द गिर्द घूमती है सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड सुजेस्टिव अतः कहानी का शीर्षक काफी उपयुक्त और विचारोत्तेजक है इट सम्स अप द थीम ऑफ द स्टोरी यह कहानी के विषय को प्रस्तुत करता है ऑल इवेंट्स लीड टू द सेंट्रल थीम सभी घटनाएं केंद्रीय विषय की ओर ले जाती हैं द स्टोरी शोज हाउ अ वेल एजुकेटेड पर्सन फाइंड्स अ ब्राइड फॉर हिमसेल्फ कहानी से पता लगता है कि कैसे एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति अपने लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश करता है ऑल द स्टोरी इज द आउटकम ऑफ द प्लान मेड बाय नरेटर श्यामा सारी कहानी कथावाचक श्यामा द्वारा बनाई गई योजना का परिणाम है वट इज द नेम ऑफ द विलेज गांव का नाम क्या है वट डज ही से अबाउट हिज विलेज वह अपने गांव के बारे में क्या कहता है द नेम ऑफ द विलेज इज होस हल्ली विच इज नॉट मैं इन एनी मैप गांव का नाम होस हल्ली है जिसका उल्लेख किसी मानचित्र में नहीं है बट इट इज वेरी फेमस इन मैसूर लेकिन यह मैसूर में बहुत प्रसिद्ध है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को दबाएं लाइक like करें कमेंट और शेयर करें